खैर अभी तो काफ़ी अच्छा हाईवे है, एकदम समझ ही नहीं आ रहा है गाड़ी चल रही है तो। इट्स फील लाइक बटर टू ड्राइव ऑन दिस रोड। टोल गेट है आगे। बाइक से ट्रैवल करने का ना सबसे बढ़िया फ़ायदा, टोल टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। अब यहाँ से फिर से पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई। मिर्ज़ापुर में स्टार्ट हुई थी, फिर ख़त्म हो गया था मिर्ज़ापुर में ही। उसके बाद फिर यहाँ रावलगंज से स्टार्ट होगी। अब देखते हैं ये कहाँ तक चलती है। सामने है टोल गेट, जो कि मुझे टोल टैक्स देना नहीं है क्योंकि आई एम विथ माई बाइक। जो लोग कार बस वगैरह वगैरह से जाते हैं उनके लिए ये सिर दर्द है, हम लोग के लिए तो कोई बात नहीं। सोन इको पॉइंट जो कि बनाया गया है हिंडाल्को और एनसिल के द्वारा, दोनों लोग मिलके बनाए हैं। और यहाँ से जो भी लोग गुजरते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि जो यहाँ का व्यू है वो काफ़ी अच्छा लगता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर। अच्छा, जौनपुर तो बगल में ही है। से हाय टू माय ब्लॉग एवरीवन। अच्छा अपना नाम ही बता दो। आशुतोष सिंह। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मास्क के बारे में बताओ। मास्क के बारे में, मास्क का उपयोग बिल्कुल अपने चड्डी की तरह करें। फटी हुई मास्क जैसे आप फटी हुई चड्डी कभी नहीं पहनते, उसी तरह मास्क भी कभी भी ना पहने। फटा हुआ मास्क ना पहने। हाँ, किसी के सामने आप अपनी चड्डी नहीं उतार सकते, उसी तरह मास्क भी ना उतारे। किसी का आप चड्डी पहन नहीं सकते, इसलिए किसी का मास्क भी ना पहने। ओके ओके। मास्क का चड्डी आपकी हल्का से भी खिसक जाती है, उसको तुरंत सही करने लगते हैं, मास्क को भी तुरंत सही करने लगे। बहुत सही, बहुत सही। बाकी यहाँ पे आइसक्रीम इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। जैसे ये फैमिली मिली थी, मैक्सिमम फैमिलीज आती रहती हैं जो यहाँ से, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर रुकते हैं। ये था इको पॉइंट। यहाँ से आप जो हाई पॉइंट से जो व्यू होता है वो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, उसके लिए लोग यहाँ पर रुकते हैं। और ये प्लेस यहाँ से जस्ट 10 कदम की दूरी पर होगा, ये प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जस्ट पास में ही है ये बीर लोरिक पत्थर। मैं इस प्लेस के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये प्लेस एक्चुअल में है क्या। बीर लोरिक यादव परिवार में जन्मे एक सूरवीर योद्धा थे जिनका जन्म बलिया के गौरा गांव में हुआ था और उनका विवाह मंजरी से हुआ था। और जिस प्लेस में मैं अभी खड़ा हूँ ये इन दोनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बीर लोरिक जब मंजरी से विवाह करके वापस जा रहे थे तो उनकी पत्नी मंजरी ने कहा, मैंने आपकी बीर गाथा बहुत सुनी है, अभी तक कभी देखा नहीं है। तब जाके लोरिक ने अपनी तलवार निकाली जिसका नाम बिजुरिया खंड था और उसके एक ही वार से इस बड़े से पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए जो कि कम से कम 20 फुट या 22 फुट ऊँचा है। और इससे जुड़ी और भी बहुत कहानियाँ हैं और ये मैंने बहुत बहुत ब्रीफ में आपको समझाया। इसके ऊपर मैं कभी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं यहाँ से अब। और आई होप जितना मैंने इन्फॉर्मेशन लिया इसके बारे में आपको अच्छा लगा होगा।
बोलते हैं रावतगंज से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ये डाला वाला एरिया है और डाला के आसपास पत्थर का काम बहुत होता है, पत्थर से गिट्टी बनाना, फिर से बड़ा बड़ा पत्थर जो बनता है रोड, जिससे रोड बनता है वैसा वैसी गिट्टी हो, सबसे महीन बारीक गिट्टी हो, उन सब चीज़ का काम इधर बहुत ज़्यादा होता है। चौपन 3 किलोमीटर, डाला 9, रेणीकूट 49। वो जो पुल है उधर वाला वो इस समय चलता है, मतलब वो पुल सही है, उस पर गाड़ी आती जाती हैं, इस पर ये ख़राब हुआ है, इस पर काम चल रहा है, तो इस पर बाइक वाइक आ जा सकती हैं। ऐसे देखिए यहाँ काम चल रहा है, और वो जो पुल है उस पर अगर आप या तो बनारस से आ रहे हैं या इलाहाबाद से आ रहे हैं, इन दोनों में से किसी जगह से अगर आप आ रहे हैं तो ट्रेन से आएंगे तो वो ट्रेन का वही ट्रैक है, और उसके बाद फिर वहाँ आगे कुछ ही दूर पे, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा, यहाँ पे चौपन स्टेशन है। पानी देख के मन कर रहा है कि अगर जाने लायक रास्ता हो तो जाके आराम से नहाए, मस्त मज़ा आ जाए। अब इधर आ गए हैं तो मैक्सिमम गाड़ियाँ जो हैं उन पर UP 64 जो कि सोनभद्र का RTO कोड है वो मैक्सिमम गाड़ियों पर दिखाई देगा। अब यहाँ कुछ चाहिए खाने के लिए, हल्का सा नाश्ता चाहिए, जैसा कि मैंने बताया बस स्टैंड है यहाँ पे, देखिए बस रुकी हुई है। आई नीड समथिंग, व्हाट शुड आई ईट। यहाँ पे फल है थोड़ा सा, इस मामले में मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, जब तक ढंग का कुछ मिलता नहीं जल्दी खाने का मन नहीं करता यार, लेकिन अब कुछ चाहिए। चौपन और डाला के बीच का जो ये एरिया है, अब इसका इस पर्टिकुलर प्लेस का नाम तो मुझे नहीं पता है, बट ये चौपन और डाला के बीच में पड़ता है। यहाँ पे मतलब इतनी, मतलब यहाँ की जो एयर क्वालिटी है ना, इतना बेकार है कि यहाँ पर रहने लायक है नहीं, बहुत घटिया एयर क्वालिटी है, मतलब सीरियसली बहुत ख़राब है। जब अभी क्या बोलते हैं ठंडी के दिन में कोहरा पड़ता है, फॉगिंग होती है, तब तो बेकार रहता ही रहता है, इस समय और बेकार रहता है। आई गेस आई हैव टेकन ए रॉन्ग टर्न, क्योंकि ये वाला ब्लॉक है तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझे वापस जाके उधर से आना पड़ेगा। यहाँ से टर्न करने लायक है, यस यहाँ पे है, तो अगर वीडियो में समझ में आ रहा होगा तो पता नहीं, मैं भी क्योंकि ना कुछ क्लियर उतना साफ, मतलब बहुत डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट है,